subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. शोनल्ज़ से जुड़ी ये बड़ी अपडेट जहां आप कल रात कहानी में देखेंगे एक बड़ा ही स्यापा, जी हां, जहां आप देखेंगे कि गुरु माँ को आ जाएगा होश और गुरु माँ तोड़ देगी नमन और पिया की शादी। पर ऐसा क्यों करेगी गुरु माँ, तो आइए हम आपको बता देते हैं बीते ट्रैक से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जहाँ आपने देखा कि कैसे मोहना और नमन ने हाथ मिला ली है और वहीं मोहना कोशिश करती है गुरु माँ को मारने की, जहाँ पे नमन उसका साथ दे रहा होता है कि तभी वेश्री और उसका सारा परिवार उस रूम में पहुँच जाता है जहाँ पे मोहना खुद रूप बदल के वहाँ लेट जाती है। लेकिन मोहना के सामने आने से पहले नमन इस बात को बचा लेता है और कर लेता है मोहना को सेव। लेकिन वही कहानी में आप देखते हैं कि पिया को होश आ जाएगा और पिया होश आते ही करेगी गुरु माँ से मिलने की जिद, और जहाँ गुरु माँ को वो नहीं देखेगी तो वो सीधा अंश पे लगा देगी इस बात का इल्ज़ाम कि अंश का किया धरा है ये सब। जिसके बाद अब आप कहानी में ये भी देख सकते हैं कि कैसे अंश और पिया को मिल जाएंगी गुरु माँ और इसके बाद सब उन्हें देख काफ़ी खुश होंगे। तो वहीं अंश को छोड़ पिया करने जा रही होगी नमन से शादी, जहाँ पे वेश्री ये कहती नजर आएगी कि अगर इसकी किस्मत में यही लिखा है तो यही होगा, और अगर क्योंकि मैंने जितना भी सुना है कि दावंश के लिए एक दैविक जरूर बनी होती है। तो इसी बीच गुरु माँ को होश आ जाएगा और वो पहुँच जाएंगी पिया के पास, जहाँ पे वो कह देगी कि हाँ पिया तुम सिर्फ अंश के लिए बनी हो ना कि नमन के लिए, और नमन ने मेरे साथ क्या किया है इस बात का भी खुलासा कर देगी। जिसके बाद कहानी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आगे क्या होगा कहानी में इस बात की जानकारी भी हम आपको दे देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.